हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल द फाइनेंशियल लिटरेसी। मैं हूँ आपकी दोस्त राधि। फिर हम डिस्कस करेंगे, अभी वीकली एनालिसिस करेंगे एक बार, और हम इसमें आज के दिन में हमें क्या सीखने को मिलता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी से, तो वो भी डिस्कस करेंगे। प्लस में अभी जो लास्ट में रहेगा पूरा एनालिसिस, आप फिर निफ्टी भी ट्रेड कर सकते हो मंडे को, बिकॉज वो एक एक्सपायरी से एक दिन पहले ही रहेगा, तो प्रीमियम्स उसमें सही मिलेंगे। बट फिर निफ्टी ट्रेड करने के लिए आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर भी एक बार वॉच आउट करना पड़ेगा। सो अभी पहले आ जाके देखते हैं फिर निफ्टी में मेनली ट्रेड कहाँ कहाँ थे अपने सेटअप के बेसिस पर। ये ट्रेड जो था वो तो आप सबके साथ ही एग्जीक्यूट हुआ था, टेलीग्राम ग्रुप है अगर हम इधर जाते हैं। सो यहाँ पर ये वाला जो ट्रेड था, ये मैंने पहले ही बोल दिया था यहाँ पर कि ये जो मार्केट है वो एक बेस फॉर्म कर रही है और यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है, ठीक है। ईओडी में भी ये सारी चीज़ें बताई गई थी, और ऑपोजिट कलर कैंडल या फिर इनसाइड कैंडल के साथ ही हम यहाँ पर एंट्री करनी थी, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा स्मॉल एसएल देना था और हमारी एंट्री बहुत सही होती है इसमें। उसके बाद अगर आप यहाँ पर जाके देखते हो चार्ट में, तो उसके बाद क्या हुआ है कि ये बेस फॉर्मेशन का जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट होता है इस कैंडल के साथ, तो हमें एक ऑपोजिट कलर की कैंडल मिलती है, प्लस में हमें एक इनसाइड कैंडल भी मिल जाती है। तो बेसिकली हम इनसाइड कैंडल के बेसिस पर जाएंगे, और यही ट्रेड यहाँ पर आपको दिखाया गया था कि यहाँ तक ऑलमोस्ट यहाँ पर हमें 1:1 से ज्यादा का टारगेट यहाँ पर मिला है, बट ऑलमोस्ट ये डेलो तक नहीं गया, मार्केट वापस से रिवर्स होता है उसके बाद डेलो तक आता है। नाउ वन नीड टू अंडरस्टैंड हियर, ये जो आप कैंडल देख रहे हो यहाँ पर डोजी कैंडल, ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। इसका एक लॉजिक भी है पीछे कि अगर कभी भी प्रीवियस डे हाई, जो भी प्रीवियस डे हाई होता है, अगर कभी भी मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब जो बायर्स है वो इस टाइम पर जो है पावर में है, और अगर प्रीवियस डे लो के नीचे मार्केट चला जाता है जो सेलर्स है वो पावर में है। अगर बायर्स पावर में है और उसके बाद अगर गैप अप होता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आता है, तो इट इज ऑलवेज हैपेंस कि यहाँ पर जाके मार्केट एक सपोर्ट लेता है, नहीं एक पुल बैक देता है। मेनली जो ट्रेडिंग होती है वो पुल बैक के बेसिस पर होती है। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो कभी भी ऐसा हो कि अगर प्राइस अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर निकले, उसके बाद दोबारा से ऊपर निकलते ही एक रिवर्स दे, तो और यहाँ पर अगर आपको प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही यहाँ पर और सपोर्ट लेते हुए कोई भी एक डोजी कैंडल मिल जाए, तो हम यहाँ से एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये यहाँ पर एग्रेसिव एंट्री होती है इसका, इसके ऊपर जैसे ही प्राइस निकलेगा डोजी कैंडल के ऊपर, जैसे ही प्राइस निकलेगा यहाँ पर एंट्री है, और डोजी कैंडल हमारा एसएल होता है। अगर आप कुछ पीछे के दिनों में जाते हुए इन सारी चीजों को देखोगे तो आपको समझ आएगा। जैसे यहाँ पर भी सेम ही चीज हुई थी कि जैसे ये वाला दिन था, और इसके ऊपर जैसे यहाँ पर प्राइस निकलता है, गैप अप ओपनिंग होती है, थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाता है, फिर यहाँ से रिवर्स करता है, यहाँ पर एक डोजी कैंडल मिलती है, हमारे एंट्री डोजी कैंडल पर करनी है, और उसके बाद हमें काफी अच्छा ट्रेड ऊपर के साइड पर मिला था जो हमारा बजट डे का था। सो ऐसे ऐसे दिन आपको आगे भी मिल जाएंगे, आप इन सारी चीजों में जो है अपना बैक टेस्ट कर सकते हो। डोजी कैंडल वाले बेसिस पर आप इस तरीके से टारगेट ले सकते हो, बट उसमें कंडीशन यही रहेगी कि प्रीवियस डे हाई या फिर प्रीवियस डे लो के नीचे ही प्राइस रहे, और जैसे यहां पर आके इसने प्रीवियस डे हाई के ऊपर, प्रीवियस डे जो हाई था वहां से सपोर्ट लेकर प्राइस बढ़ा है, जब प्रीवियस डे लो के नीचे प्राइस रहेगा नेक्स्ट डे, तो जो सपोर्ट रहेगा और जो रेसिस्टेंस रहेगा वो प्रीवियस डे लो से मिलेगा कोई भी रिजेक्शन कैंडल, और फिर वहां से हम डाउन साइड का ट्रेंड ले सकते हैं। ये पुल बैक एंट्रीज होती है, ठीक है। बेसिकली एक ट्रेड यहाँ पर बनता था, और उसके अलावा जो इनसाइड कैंडल का बेसिस है उसके बाद एक ट्रेड यहाँ पर भी बना था, अगर आप ये यहाँ पर जाके देखते हो। सो दिस वॉज द मदर कैंडल, और यहाँ पर हमारी इनसाइड कैंडल थी। इनसाइड कैंडल का हाई जैसे ही ट्रिगर होता है, बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड था, और ये ट्रेड मेनली ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर प्रेफर किया लेना। आई गॉट मेनी मैसेजेस टुडे इस ट्रेड के बेसिस पर। सो आज का ये कंप्लीट चार्ट था निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी, आज के साइड एक ऊपर के साइड पर रैली रही। तो बेसिकली ये समझने के लिए क्या मिलता है कि देखो, मार्केट में ना वेंसडे या थर्सडे में से एक दिन मूव आता है। अगर मूव वेंसडे को आ जाएगा तो थर्सडे को नहीं आएगा, थर्सडे अगर वेंसडे को नहीं आया तो थर्सडे को चांसेस होते हैं कि मूव मिलेगा, ठीक है। अगर फिर वेंसडे को मूव आ जाता है, जो कि जैसे बजट वाले दिन वेंसडे पड़ा, तो नेक्स्ट डे थर्सडे हो गया, थर्सडे को मूव नहीं आया, वो भी हमने डिस्कस किया था कि क्यों नहीं आया। सो आज ज्यादातर चांसेस थे मूव आने के, और इसलिए फ्राइडे को हमें एक अच्छा वन साइडेड मूव एक साइड पर देखने को के लिए मिला। सेकेंड हाफ के से स्टार्टिंग हो गई थी इस मूव की। सो बेसिकली ऐसा ही होता है मार्केट में, जिस दिन थर्सडे को मूव ना है उस दिन फिर आपको फ्राइडे को मूव देखने को मिलेगा, और अगर किस दिन थर्सडे आपका सही गया है मार्केट में, प्राइस एक्शन थर्सडे को सही गया है, तो फिर फ्राइडे को थोड़ा सा हम साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगी। पिछले कुछ दिनों से अगर हम एनालाइज करेंगे थर्सडे, वेंसडे और फ्राइडे का चार्ट, तो हमें यही सारी चीजें यहाँ पर सीखने को मिलती है। सो अभी बेसिकली चलते हैं यहाँ पर, और अब हम समझेंगे वीकली एनालिसिस में कि वीकली टाइम फ्रेम पर क्या क्या चीजें हैं। अगर आप यहाँ पर जाके देखोगे, तो ऑलमोस्ट मैं आपको जब लास्ट टाइम इन्वेस्टिंग की बात आई थी, तब भी यही बोला था कि प्राइस हमेशा बोलिंजर बैंड के लो पर आता है और ऊपर होके चला जाता है। यहाँ पर भी ऐसा हुआ था कि 20 SMA तक प्राइस आ रहा था, इस बार 20 SMA ब्रेक हुआ अडानी की न्यूज की वजह से, थोड़ा डाउन आया, बट यहाँ से अभी सपोर्ट लेते हुए प्राइस जो है दिख रहा है। सो इंपॉर्टेंट
जो सेलिंग एरिया है वो हमारा 43,000 का ही है, 43,075, बिकॉज यहाँ से मेनली सेलिंग शुरू हुई है। अगर बायर्स इस लेवल को ऊपर के साइड निकाल देते हैं तो फिर ऊपर जाने के लिए फिर मार्केट में ऊपर का प्राइस एक्शन बनेगा, ठीक है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये वाला लेवल ना निकले तो बायर्स यहाँ से स्ट्रॉन्ग है, ये जो लेवल है यहाँ पे 39,500, यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग है और ऊपर 43,000 पे सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट इस रेंज में भी कुछ टाइम तक टाइम स्पेंड कर सकती है। ये यहाँ पर व्यू रहेगा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर जाके इस चीज को देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर अभी तो मार्केट लो से यहाँ पर निकला, जैसे अगर आप यहाँ पर देखते हो डेली टाइम फ्रेम पर बॉलिंजर बैंड को, तो इसका जो लो था वो ब्रेक हो गया था, उसके बाद यहाँ पर एक कैंडल बनी है, इनसाइड कैंडल बनी है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाते हुए दिख रहा है। सो ऑलमोस्ट जितनी इनसाइड कैंडल है ऊपर जाते हुए दिखेगा, इस 20 SMA से जो प्राइस है वो एक बार असिस्टेंस ले सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम दोबारा से अपने 43,000 के लेवल तक जाते हुए देख सकते हैं। अच्छा, निफ्टी में अगर हम इन सारी चीजों को रिमूव करके निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, सो यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि मार्केट ने अगर अभी मार्केट एक डब्लू पैटर्न बना के यहाँ से जा रहा है, ओके, सो दिस इज द बेस नाउ, और इस बेस के बाद यहाँ से मार्केट ने डाउन साइड से रिजेक्शन लिया। अगर आप यहाँ पर एक पैटर्न देखते हो तो ये डब्लू टाइप का पैटर्न यहाँ पे बन चुका है। जैसे ये ब्रेक होता है ये सारा जो एरिया है वो पूरा एक काफी टाइम मार्केट ने यहाँ पे स्पेंड किया था, तो ये रेंज बाउंड एरिया है। इसके ऊपर जैसे ब्रेक होता है हम जो ऊपर के लेवल्स है वो सारे यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जो ये वाला लेवल रहेगा ये रेंज बाउंड रहेगा, बाकी जो सेलिंग है वो 17,300 और 400 के लेवल के नीचे हमें देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट होकर मार्केट को ऊपर लेकर गया है। अब मंडे के लिए क्या व्यू रहता है एज पर प्राइस एक्शन, अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं और समझने की ट्राई करेंगे, सो मंडे को सिंपल सी एक चीज जो यहाँ पर समझने की है वो ये है, अगर आप यहाँ पर जाते हो सो आपको यहाँ पर दिखेगा कि बजट वाले दिन जो सेलिंग है वो कौन से लेवल से आई है। अगर आप यहाँ पर जाके देखोगे सो लास्ट टाइम में क्या हुआ था कि मार्केट इधर से ऊपर गया, उसके बाद यहाँ से जो है सेलिंग आई एक बियरिश एनगल्फिंग बना के, फिर आप दोबारा से प्राइस क्या कर रहा है, दोबारा से यहाँ तक जो है बजट वाले दिन दोबारा से हम इसी वाले लेवल पर आ गए थे जहां से बायर्स मार्केट को लेकर गए थे, सो दोबारा से फॉल यहीं तक आ गया। अब क्या कर रहा है, प्राइस दोबारा से ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, तो नेक्स्ट जो सेलिंग एरिया बनेगा ना वो हमारा यही बनेगा। अगर मान लो मंडे को थोड़ा बहुत गैप अप हो जाता है या फिर प्राइस ऐसे ही खुद ही निकलकर यहां तक जाता है, सो ये जो लेवल है यहां पर 17900 17950 के अराउंड का, ये दोबारा से सेलिंग प्रेशर के लिए बनेगा, बिकॉज़ अगर यहां से इतनी ज्यादा सेलिंग आई है सो एकदम से प्राइस इस लेवल को नहीं निकालेगा, और अगर ये निकालेगा इस लेवल को एन पैटर्न के थ्रू और यहां पर बहुत ज्यादा पावरफुल से, तो जो यहां पर सेलर्स थे और यहां पे सेलर्स थे वो सारे बहुत ज्यादा ट्रैप हो जाएंगे, हमें एक वन साइडेड जो मूव है फिर वो ऊपर के साइड ही दिख सकता है। अगर लेवल नहीं निकलता और फिर दोबारा से ऊपर जाके इस तरीके से प्राइस घूम जाता है किसी भी ओपन हाई के साथ या फिर इनसाइड कैंडल का रिवर्सल देकर कुछ भी यहां पर हमें सेटअप मिलता है, तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये दो दिन से जो यहां पर सेलिंग ऊपर के साइड पर बाइंग आई है फिर वो एक ही दिन में कवर हो जाएगी अगर मार्केट को डाउन साइड का मूव देना है तो। सो ये सिंपल रहेगा। अब अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाके एक बार बैंक निफ्टी का व्यू देखते हैं, सो यहाँ पर भी हमें ये सेम ही चीज़ दिखाई देगी, जिस तरीके से निफ्टी में जो प्राइस एक्शन रहा और एक ऊपर के साइड पर प्राइस का मूवमेंट हमें देखने को मिला, लेकिन बजट वाले दिन सेम यहाँ पर हमें डाउन साइड की मूवमेंट मिली। जैसे यहाँ पे जो प्राइस था यहाँ से ऊपर के साइड पर बायर्स लेकर गए प्राइस को, उसके बाद जो सेलर सेलिंग प्रेशर है वो हमें इस लेवल से देखने को मिला, ये जो लेवल है ऑलमोस्ट 42,000 का है। यहाँ से दोबारा से मार्केट ने अपने 3 दिन का लो दोबारा टच कर दिया। अब दोबारा से क्या कर रहा है कि प्राइस दोबारा से ऊपर जा रहा है, सो सेम प्राइस एक्शन रहेगा। अगर इसके ऊपर प्राइस निकलता है तो हम 42,000 से प्राइस को एक रेसिस्टेंस लेते हुए दोबारा से गिरते हुए देख सकते हैं। सो यहाँ पर जैसे ही अगर प्राइस ऊपर जाता है फिर अपने लो को तोड़ता है जो कि फर्स्ट कैंडल का लो होता है, हम डाउन साइड का एक ट्रेड ले सकते हैं, हमारा फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट यही रहेगा। सेम इज द केस विद फिन निफ्टी एज वेल, बिकॉज फिन निफ्टी का भी अगर आप देखोगे तो एक वन साइडेड रैली, कभी भी अगर इस तरीके से वन साइडेड रैली आई होती है चाहे वो सेकेंड हाफ में आए या फिर वो फुल डे की रैली हो, तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि उसमें प्रीवियस डे हाई की ट्रैपिंग होकर हमें एक सेटअप मिल जाता है। अब जैसे अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो हमें जो सेलिंग प्रेशर वो इस वाले लेवल से बना था ऑलमोस्ट 18,600 से, अगर प्राइस कल ऑलमोस्ट ये 200 पॉइंट्स की रेंज है यहाँ पर, अगर प्राइस इसके ऊपर निकलता है और दोबारा से इस 200 की रेंज में कहीं से भी इसके बीच में भी अगर कहीं पे कोई रिजेक्शन कैंडल मिल जाती है तो हम डाउन साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऊपर के साइड के लिए जो व्यू रहेगा वो तभी रहेगा जब ये सारे जो लेवल है यहाँ से अगर निकलता है तो आप ऊपर के लिए यहाँ पर प्लान कर सकते हो, बट ये रिस्की होगा थोड़ा बिकॉज मार्केट ने एक रन दिया है 2 दिन तक। इसके अलावा एक एन पैटर्न बना के ऊपर जा सकता है। हाँ, अगर प्राइस को ऊपर ही जाना है तो इधर के साइड पर प्राइस को थोड़ा सा कंसोलिडेट करना पड़ेगा, उसके बाद रेंज का ब्रेकआउट मिले एन पैटर्न मिले वी कैन डायरेक्टली एंटर हियर। ओके, सो ये कंप्लीट एक व्यू रहेगा।
और इसके अलावा अगर आपको ईओडी ग्रुप ज्वाइन करना है तब आप कर सकते हो। आज भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर शेयर हुई थी। ओके एंड डेली पीडीएफ्स वगैरह जो भी है, बेसिक जो लर्निंग है वहां पर कोर्स वगैरह की, जो अगर आप बिगनर हो तो आपको स्टार्टिंग से अगर सीखना है तो वो सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाएंगी। इनसाइड कैंडल का भी हम वहां पर सीख रहे हैं, डेली चीजें वहां पर होती है। सो इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मेरा लिंक मिल जाएगा, आईडी ऑलरेडी पिंड है यहाँ पर, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी विद दिस। थैंक यू सो मच, बी प्रोफेशनल ट्रेडर एंड हैप्पी फाइनेंशियल लिटरेसी।